जी हाँ, अगर आप भी अपने WhatsApp की डिलीटेड फोटोज को, वीडियोस को, चैट्स को, डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रिकवर करना चाहते हैं जो आपसे डिलीट हो चुकी हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपने तो उसका बैकअप भी नहीं था बनाया, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपसे ये तमाम चैट्स, तमाम मीडिया जो है वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है बाय मिस्टेक, तो कैसे आप फिर भी उसे रिकवर कर सकते हैं वो भी विदाउट बैकअप। जानने के लिए देखते रहे हाउ टू चैनल। लो भाई, मैं तो आ चुका हूँ मोबाइल फोन के अंदर, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर, वहां पर भी भाई के जल्दी से जल्दी 10K फॉलोअर्स करा दो। और भैया जी, 90% मेरे पास लोग ऐसे ही आते हैं जिनके WhatsApp की डिलीटेड फोटोज, डिलीटेड वीडियोस, डिलीटेड चैट्स को जो है उन्होंने रिकवर करना होता है, लेकिन उनके पास बैकअप ही नहीं होता। तो ऐसे में वो कहते हैं यार, हमने अपनी फोटोज को, वीडियोस को, चैट्स को परमानेंटली डिलीट तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास तो इसका बैकअप भी नहीं था, ना ही हमने गूगल ड्राइव के ऊपर इसका बैकअप बनाया था। तो आप लोग जो है वो खुश हो जाओ, जल्दी से जाकर वीडियो के नीचे जो है वो थैंक्स लिख देना, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो के बाद आपकी चैट्स, आपका डाटा जो है वो तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन आप लोग जो है वो भूल जाओगे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। तो ऐसे में आपने सिंपली भैया जी मेरे साथ आ जाना मोबाइल फोन के अंदर, और खुशी की बात ये है कि अगर भैया जी आप अपना बैकअप बनाओ ना बनाओ, व्हाट्सएप जो है वो खुद ब खुद आपके 7 दिन का, जी हाँ 7 दिन का, ये 5 है 2, 7 दिन का बैकअप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बनाता रहता है और आपके मोबाइल फोन के अंदर जो है वो स्टोर कर देता है, सेव कर देता है। यानी कि अगर आपसे आपकी फोटोज, वीडियो, चैट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो बाय मिस्टेक डिलीट हो भी चुके हैं, तो आप उनको रिकवर जो है वो कर सकते हो अगर आपने बैकअप भी नहीं था बनाया। तो ऐसे में आपने सिंपली करना कि भैया जी आ जाना है मेरे साथ व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप के अंदर आओगे तो यहां पर एक चीज जो है वो आपने सबसे पहले करनी है, वो क्या है, 3 डॉट्स के ऊपर जाना है, सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाओगे, चैट्स के अंदर आना है, चैट्स के अंदर आने के बाद नीचे आना है, चैट बैकअप, चैट बैकअप के ऊपर क्लिक करना है, यहां पर गूगल अकाउंट के अंदर आके आपने अपना जीमेल देना है, और भैया जी इसके ऊपर जो है वो आपने बैकअप बना लेना है। भैया जी ये हमारी सेफ्टी के लिए, यानी कि हम एहतियात जो है वो कर रहे हैं कि हमारा ये भी डाटा जो है वो डिलीट ना हो जाए। तो ऐसे में ये आपने जो है सबसे पहले बैकअप बना लेना, बैकअप बना लोगे फिर आपने आना है फाइल मैनेजर के अंदर। अगर आपका सैमसंग मोबाइल है या कोई और मोबाइल है तो उसमें होगा माई फाइल्स का फोल्डर, तो ऐसे में आपने सिंपली भैया जी इंटरनल स्टोरेज के अंदर आना है, जहां पर भी आपको इंटरनल स्टोरेज मिले वहां पर ही जो है वो आपने चले जाना है। आपने फाइल मैनेजर के अंदर आगे यहां पर ऊपर एक फोल्डर जो है वो हमें देखने को मेरा इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज के ऊपर जो है मैं आ जाता हूं, यहां पर आ रहा है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के ऊपर जो है मैं क्लिक कर देता हूं, एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया के अंदर चला जाता हूं, मीडिया के अंदर जाने के बाद com.whatsapp, ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर जाता हूं, तो हियर यू कैन सी कि यहां पर मेरा तमाम बैकअप, जी हां 7 दिन का तमाम बैकअप भैया जी वो मौजूद है। हाँ जी, ये अच्छी बात है ना, खुशी की बात है, और यहाँ पर 7 दिन से भी ज़्यादा का बैकअप है। अब ये आप कहेंगे ये क्या चक्कर है, ये वही चक्कर है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भैया जी स्पेस होगी तो हो सकता है कि वो आपसे आपका बैकअप जो है वो ज़्यादा भी बना दे 7 दिन से, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है वो आपने देख लेना है कि आपका किस डेट को जो है वो फोटोज़ वगैरह डिलीट हुई, आपका डाटा डिलीट हुआ है, आपने उसके फोल्डर को जो है वो एडिट करना है। एडिट कैसे करना है, सबसे नीचे एक फोल्डर आ रहा है ना msgstore.db.crpyt14, ठीक है, बिल्कुल ऐसा फोल्डर जो है वो आपने बना देना है, वो वाला जिसके अंदर आपका डाटा है, ठीक है। अब डाटा किसके अंदर है वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आ रहा है भैया जी MB's के साथ इतने MB का ये डाटा है और इस डेट का डाटा है, यानी कि 22 तारीख का ये डाटा मेरे पास पड़ा है, 27 का भी पड़ा हुआ है, 26 का भी पड़ा है, 25 का भी पड़ा है, 28 का भी पड़ा है, 3 तारीख का भी पड़ा है, यानी अगस्त का भी जो है वो अब पड़ा है। अब आपने देखना है कि भैया जी मेरी जो चैट्स वगैरह थी वो कब डिलीट हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी 22 को डिलीट हुई है, मैं 22 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, नीचे आता है मोर, मोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आएगा रीनेम, रीनेम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपली भैया जी वैसा ही फोल्डर बनाना है जैसा मैंने आपको कहा था, ठीक है, यहाँ पर आपने डेट जो है इसकी रिमूव कर देनी है, रिमूव रिमूव, ठीक है, और उसके बाद आपने ओके के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर हे यू कैन सी नीचे वाला फोल्डर जो है वो हमारा एज इट इज़ वैसा ही बन गया। आप इसको लिख के भी जो है ना ऐसा फोल्डर बना सकते हैं कि भाई ऐसा बनाना है, रीनेम के वक्त आप बार बार तो नहीं ना देख सकते, तो कुछ ऐसा कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ कर लो, ठीक है, ऐसा ही फोल्डर बनाना है जैसे इसके डॉट्स हैं, ठीक है, जैसे सब कुछ है एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है, ठीक है। जब ये चीज़ कर लोगे उसके बाद आपने सिंपली करना है कि WhatsApp के ऊपर आना है,
ठीक है। यहाँ पर ऐप इन्फो के अंदर जाना है, ऐप इन्फो के अंदर जाओगे तो यहाँ पर स्टोरेज के अंदर जाना है और क्लियर डाटा कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लियर डाटा करोगे तो आपका व्हाट्सएप जो है वो बिल्कुल एक नए तरह का व्हाट्सएप जो है वो हो जाएगा, यानी कि वेलकम वो जो है वो आपको करेंगे। आपने इंग्लिश को जो है वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। अपना फोन नंबर दे के वेरीफाई करना है, वेरीफाई वगैरह करोगे, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो भैया जी आपने सारी माननी है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कोई भी चीज आपने डिनाई नहीं करनी, नोट लो नहीं करनी, आपने सारी चीजें जो है इनकी माननी है। उसके बाद जो है थोड़ा सा भैया जी वो लेगा, साइकिल चलाएगा, लोडिंग लेगा, ठीक है। जैसे ही लोडिंग लेगा वो आपका बैकअप देख रहा है कि आखिरकार आपका बैकअप है कहां पे, ठीक है। जैसे ही उसे आपका बैकअप मिलेगा, फाइंड करेगा, वो कहेगा रिस्टोर। जैसे ही आप रिस्टोर के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं तो आपकी तमाम फोटोज, तमाम वीडियोज वगैरह जो है वो भैया जी रिस्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपकी रिस्टोर जो है वो फोटोज नहीं होते और पुराना डाटा भी जो है वो आप समझते हैं कि यार चला गया, वापिस चला गया, वो भी नहीं अब है, तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने भैया जी व्हाट्सएप के अंदर जाना है, ठीक है, और फिर से जो है ऐप इन्फो के अंदर जाके उसे क्लियर डाटा कर देना। क्लियर डाटा करोगे और मोबाइल फोन के अंदर आपने वो जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेना है जिसके ऊपर आपने बैकअप बनाया था, और उसके बाद सारा वही प्रोसेस करना है, यानी नंबर वगैरह दे के वेरीफाई करना है। तो ऐसे में इस तरह जो है वो अपनी आप लास्ट 7 डेज की, बल्कि इससे भी ज़्यादा की वीडियोज जो है, फोटोज जो है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, चैट्स वगैरह जो है वो रिकवर कर सकते हैं अगर आपके पास भैया जी डाटा या बैकअप उसका भी मौजूद नहीं था। तो ऐसे में अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप हाउ टू चैनल फर्स्ट टाइम देखे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउ टू चैनल। मिलता है एक नए वीडियो में, अब तक ले जाता सब लोगों से इजाजत।